हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चना और आलू की बहुत ही मज़ेदार सब्जी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चना लिया है, जिसे मैंने पूरे रात पानी में भिंगो करके छोड़ दिया था। आप अगर चाहें तो इसे 4-5 घंटे पानी में भिंगो करके छोड़ सकते हैं, ये अच्छे से फूल जाएगा। तो यहाँ पे हमने चने को अच्छे से 4-5 पानी धोकर के एक प्लेट में रख लिया है। साथ ही हमने 4 कच्चे आलू लिए हैं, जिसे छील करके हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके रख लिया है। अब सबसे पहले हमें एक पेस्ट तैयार करना है। तो पेस्ट तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे 6-7 दाने लहसुन के, एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 1 चम्मच खड़ा जीरा और 10 से 15 दाने गोल मिर्च के लिए हैं, जिन्हें हम ग्राइंडर जार में डाल करके इनका एक दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे पेस्ट तैयार कर लिया। अब हम गैस ऑन करके कुकर में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब तेल पूरा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। साथ ही हम इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज को स्लाइस में कट करके रखे थे, उसे डाल देंगे और प्याज को लगातार चलाते हुए हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये डार्क ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो ये देखिए, प्याज को हमने लगभग 5 मिनट तक फ्राई किया है। प्याज का कलर चेंज हो गया है, ये ब्राउन कलर का हो गया है। तो अब हम इसमें कटे हुए आलू के पीसेस और चना को भी डाल करके लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए, प्याज आलू और चना भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसमें जो पेस्ट बना करके रखे थे लहसुन और अदरक वाला, वो भी हम इस पर डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए उन्हें भी हम 2 मिनट तक आलू और चना के साथ फ्राई कर लेंगे। इस तरह से फ्राई कर लेने से लहसुन और अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। ये सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अगर आप इस सब्जी को एक बार बनाएंगे तो मटन और चिकन सब फेल है इसके आगे। और इसे आप गर्मा गर्म चावल के साथ, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ खाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो ये देखिए, 2 मिनट तक हमने मसाले डालने के बाद से इन सबको अच्छे से एक बार फ्राई किया है। अब हम इसमें थोड़े से सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हम नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालें, और इन सबको हम एक बार मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इन सबको 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं। तो 5 मिनट हो गया है, ये देखिए मसालों से ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 1 कलछुल चना और आलू दोनों हम निकाल लेंगे और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसे हम एक ग्राइंडर जार में डालेंगे और बिना पानी डाले हम इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और तब तक हम सब्जी को बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करते रहेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे चना और आलू का हमने पाउडर तैयार कर लिया है, इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था। अब हम इसे सब्जी में डाल देंगे और इन सबको हम एक बार मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल देंगे। एक बार इन सबको हम मिक्स करेंगे और कुकर का ढक्कन बंद करके हाई फ्लेम पे हम इसमें 1 सीटी आने देंगे। और उसके बाद गैस का फ्लेम जो है वो लो करके हम इसमें 4 सीटी और लगा लेंगे, क्योंकि चना जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए, तभी सब्जी में टेस्ट आता है।
और जब चार सीटी आ जाएगा तो हम पूरा स्टीम निकल जाने देंगे, उसके बाद कुकर के ढक्कन को खोलेंगे। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार आलू चना की सब्जी बनकर के रेडी है। ये कितना मज़ेदार दिख रहा है ना। तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।